नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस नए मोटो व्लॉग में। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो आई एम राइडिंग माय ड्रीम, इट्स माय ड्रीम, यस इट इज़ निंजा 300 2024 एंड फाइनली आई एम राइडिंग आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे पास दोस्तों निंजा थी बहुत टाइम पहले, मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी एंड बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला है इसे चलाने का और इन भैया ने मेरे को डरा ही दिया था। जब बाइक अपनी ना हो ना तो बहुत डर लगता है और फिलहाल ये बाइक अपनी नहीं है, ये शोरूम वालों की है, टेस्ट राइड व्हीकल है ये, तो मैं इसे बहुत प्यार और बहुत ध्यान से चलाना चाहता हूँ। सो वापस से आते हैं मोटो ब्लॉग के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार जो सपोर्ट आप दे रहे हैं उसके लिए। दूसरा, ये जो जाम है ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा यार। गुड़गांव में आजकल इतना जाम आई डोंट नो क्यों लगता है, क्या रीज़न है इस चीज़ का जिसकी वजह से ये जाम लगता है, समझ ही नहीं आता। लेकिन चलिए, हम तो निकल ही गए शायद इस जाम से, अब जिनके लिए लग रहा है उनके लिए लगता रहे। तो दोस्तों ये जो मोटो व्लॉग है ये बहुत शानदार होने वाला है, सो प्लीज़ आप वीडियो को, इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यस, ये है दोस्तों पावर इनलाइन 239 BHP की, जो कि आई थिंक सेकेंड गियर की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नाउ ओके, अभी ये हो गई है न्यूट्रल फर्स्ट। फर्स्ट ईयर में, ओ माय गॉड, सेकेंड ईयर में। इसको चलाने के लिए ना दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है सड़क कम पड़ जाएगी। अगर जनरली कुछ कोई चीज़ जिसको भी बाइक्स पसंद है उसे सुकून अगर दे सकती है ना, तो ये मशीन है एंड इट इज़ द बेस्ट वन जो कि आप पिक कर सकते हैं अंडर 4 लाख रुपीज़ इन गुरुग्राम हरियाणा। 4 लाख रुपये में इससे बेहतर कुछ और नहीं मिल सकता दोस्तों, मुझे तो नहीं मिल सकता। आपका नहीं पता मुझे, बाकी मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस सेगमेंट में ना दोस्तों इसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जो ये आपको डिलीवर करके देती है ना, वो कोई और बाइक नहीं देती, चाहे वो KTM RC390 हो या फिर वो कोई और बाइक हो। जो ये डिलीवर करती है ना, वो कोई और बाइक डिलीवर कर ही नहीं सकती, नॉट इवन अगर मैं एक मिनट के 60वें भाग में भी बोलूँ ना, तो भी डिलीवर नहीं कर सकती जो ये डिलीवर करती है। एंड इसीलिए इसको इतना ब्रूटल मशीन बोला जाता है, बिकॉज इसकी जो पावर डिलीवरी है ना वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल। तो आप सब भाइयों के लिए एक छोटा सा टास्क मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं कि आप लोग गैस करके मुझे बताइए कि अपने पास निंजा कब तक आ जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में ये निंजा अपने पास आ जाएगी? बाकी हाँ, एक चीज़ और है, अगर कुछ लोग बोलें कि भाई पैसा लगता है बाइक ख़रीदने के लिए, पैसा लगता है, तो यार देखो मैं आप सबको बता दूँ, आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मैं बहुत इजीली से ख़रीद सकता हूँ, बहुत इजीली बेटा। मेरे पास कैश नहीं है, वरना मैं दे देता यार, सच्ची में कैश नहीं है मेरे पास, मैं अपना वॉलेट जो है वहीं छोड़ गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे ख़रीद नहीं सकता, ख़रीद सकता हूँ, बट मेरा मानना ये है कि जब बाइक मेरे को इजीली फाइनेंस पे मिल जाएगी, लेकिन फाइनेंस पे क्या नहीं मिलता, फ्यूल नहीं मिलता फाइनेंस पे,
दूसरा फाइनेंस पे एसेसरीज नहीं मिलती, तीसरा वक्त फाइनेंस पे नहीं मिलता। तो अभी जो ये टाइम है मेरी लाइफ में दोस्तों, अभी एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आने वाले एक डेढ़ साल में मेरे पास, सो मैं चाहता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हो जाएं पहले, फुलफ़िल हो जाएं, उसके बाद अगर मैं बाइक खरीदूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वरना तो लोग बोलेंगे कि यार भाई क्या ही है, लोग तो खैर नहीं बोलेंगे, जो समाज में जो लोग हैं वो ये चीज़ बोलेंगे कि देखो शौक कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा नहीं रहा है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहला, मैंने एक नया प्लॉट ख़रीदा है अपने लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उसको बनाना चाहता हूँ। बनाने से मतलब ये है कि मैं उसकी बाउंड्री करवा के और थोड़ा सा उसे बनाना चाहता हूँ, जिससे कि कोई कब्जा वब्जा ना कर ले। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टर की मैरिज, बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, जो कि मैं चाहता हूँ कि जब ये ख़त्म हो जाए, ये फुलफ़िल हो जाए, उसके बाद बाइक ली जाए। लेकिन इस बाइक की मोहब्बत ना वो मुझे लग नहीं रहा है कि इतना इंतज़ार होने देगी। अमेजिंग मशीन है गाइस, अमेजिंग मशीन है। जो मेरी इकलौते की ऐसा नहीं है कि ये फेवरेट बाइक है या ड्रीम बाइक है। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये ड्रीम बाइक होगी, बहुत सारे, बिकॉज इट्स अ मोस्ट अफोर्डेबल स्पोर्ट्स बाइक फ्रॉम दिस सेगमेंट, जिस सेगमेंट में ये आती है। इससे बेहतर, इससे अफोर्डेबल कोई भी स्पोर्ट्स बाइक आपको जो सुपर बाइक जैसा फील दे, कोई और आपको नहीं मिलेगी। सो मैं तो इसे चला के दीवाना हो गया हूँ। एंड सस्पेंशन की अगर बात करूँ ना दोस्तों, सस्पेंशन भी इसका बहुत ज़बरदस्त ट्यून है। अभी ये ख़राब रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को बम्स फील नहीं हो रहे। सो इसको बोलते हैं प्रिसाइजली ट्यून सस्पेंशन सेटअप। मज़ा आ रहा है, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, क्या ही बोलूँ आपको। तो चलिए थोड़ा बहुत कुछ बोल देता हूँ क्योंकि क्या ही बोलूँ ये तो सही नहीं होगा। लेट्स टॉक लिटिल बिट, लेकिन उससे पहले ना मैं चाहता हूँ कि आप इसकी आवाज़ सुने एक बार ध्यान से। इससे बेहतर सेटिस्फैक्टरी कुछ नहीं हो सकता। जो कहते हैं ना दोस्तों, एक बाइक तो कोई भी बना सकता है, लेकिन बाइक के साथ में लेगेसी बनाना, उस बाइक को इतना सक्सेसफुल बनाना कि लोगों के सपनों में वो बाइक आने लगे, वो इजी नहीं होता किसी के भी लिए। एंड इस बाइक ने वो काम किया है। और अगर मैं बोलूँ शिफ्टिंग, वैसे तो ये जो है स्लिप असिस्ट क्लच के साथ ही आता है, स्लपर क्लच के साथ में ये बाइक आती है, लेकिन आफ्टर दैट जो शिफ्टिंग है वो कहीं पे भी किसी भी, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना आरपीएम बॉक्स, इसके किसी भी फिगर में आपको पावर लेग फील नहीं करवाता। आप किसी भी गियर में है, जैसे मैं अभी आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। राइट नाउ आई एम फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, क्लच भींचा हुआ है मैंने, 13 की स्पीड है। एंड ये मैंने एक्सेलरेट किया एंड आई एम रेडी टू फ्लाई। विद इन सेकेंड्स, सो इट जस्ट अमेजिंग। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता फॉर अ बाइकर, जो कि जिसको बाइक से मोहब्बत है, उस लड़के के लिए या उस लड़के के लिए या लड़की के लिए भी, जिनको भी बाइक से प्यार है ना, उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जेन्युइनली आई एम इन लव विद इट।
लव विद दिस इट, बोलना इसको गलत होगा, आई एम सॉरी। आई होप दोस्तों आपको ये मोटो ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव ऑनेस्ट कंटेंट मैं आपको डेली शाम को 5 बजे दिखाता रहता हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी ओपिनियन है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, सो आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो @bikebone21। थैंक यू सो मच गाइज, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलाइए वाहनों को, चाहे बाइक है चाहे गाड़ी है। मैं मिलूंगा कल शाम को 5 बजे सार, तब तक जय हिंद जय भारत।